Fourth class, get ready for today's science class. Students, tell me, why would we want to measure rainfall? हमें rainfall को क्यों measure करना चाहिए, क्यों मापना चाहिए rainfall को? Students, there are many different reasons to measure rainfall. Crops need water and rain is a major source of this water. Crops को water की ज़रूरत होती है grow करने के लिए और rain जो है वो एक main source है उस water के लिए जो crops को need होती है. Some crops like rice need more water and some like bajra need less water. Knowing how much rain a region receives will help plan which crops to plant. So, हमें अगर यही नहीं पता हुआ कि किस रीजन में कितनी रेनफॉल हो रही है तो हम ये पता नहीं लगा पाएंगे कि हमें कौन सी क्रॉप को ग्रो करना है. Like हमें एक ऐसे रीजन में राइस को ग्रो कर रहे हैं जहाँ पे रेनफॉल जो है वो बहुत ही कम होती है, तो उससे क्या होगा, राइस अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा और हमारा लॉस हो जाएगा. सो वी नीड टू मेजर रेनफॉल. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो वी आर डूइंग ब्लॉक 16 इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन एंड टुडे वी विल बी एबल टू यूज अ रेन गेज. रेन गेज होता है बारिश के पानी को मापने के लिए जो बनाया जाता है उसको रेन गेज बोलते हैं, टू मेजर द रेन. आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल. नाउ स्टूडेंट्स, इफ आई सेड यू to make a rain gauge, how will you make a rain gauge? Firstly, you have to cut the top of cold drink bottle. आपको एक cold drink bottle का जो first part होता है उसको cut करना है with scissor to make a funnel. इसका use किस लिए होता है, funnel make करने के लिए. Invert the funnel into the cut bottle. So जो बाकी का हिस्सा रह गया था bottle का उसके अंदर इस funnel को आपको डालना है. Pour water from the watering can into the rain gauge. आपको इस फनल इस रेन गेज के अंदर वाटरिंग कैन जो भी आप प्लांट्स को वाटर देने के लिए यूज़ करते हो उस वाटरिंग कैन से आपको इसके अंदर वाटर डालना है. स्टॉप आफ्टर 1 मिनट. आपको फिर 1 मिनट तक उसके अंदर पानी डालना है, उसके बाद आपको स्टॉप हो जाना है. इंस्ट्रक्ट योर फ्रेंड टू मेजर द रेनफॉल एंड रिकॉर्ड द रीडिंग विद द रूलर इन द नोटबुक. तो उसके बाद आपको अपने फ्रेंड को बोलना है या फिर आपका जो भी वहाँ पे इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपका कोई भी पार्टनर होगा उसको आपको बोलना है कि आप इसकी रीडिंग स्केल के साथ माप लीजिए और उसको नोटबुक में राइट कीजिए. देन एम्प्टी द रेन गेज एंड रिपीट फॉर 2 मिनट. और उसके बाद आपको इस रेन गेज को दोबारा से एम्प्टी कर देना है और फिर 2 मिनट के लिए इस रीडिंग को रिकॉर्ड करना है. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वॉज द रीडिंग इन द रेन गेज फॉर 1 मिनट. फिर आपको बताना है कि 1 मिनट के लिए कितनी रीडिंग गई थी रेन गेज पे एंड व्हाट वाज द रीडिंग इन द रेन गेज फॉर 2 मिनट्स और 2 मिनट के बाद रेन गेज पे कितनी रीडिंग गई थी, वो दोनों ही आपको बताना है. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दिस लेसन. दैट इन द न्यूज़पेपर रेन गेज रीडिंग ऑफ अलीगढ़ एंड भीलवाड़ा आर 1 mm एंड 3 mm. सो अलीगढ़ के लिए जो रेन गेज पे रीडिंग आई है वो 1 mm है, 1 mm है एंड भीलवाड़ा के लिए जो रीडिंग आई थी वो आई थी 3 mm. इन विच सिटी डिड मोर रेनफॉल, वाई डज दिस मैटर. सो आपको बताना है कि कौन से सिटी में ज़्यादा रेनफॉल हुआ है. मोर रेनफॉल इन भीलवाड़ा एज द रेन गेज रीडिंग फॉर इट इज हायर. सो भीलवाड़ा में ज़्यादा रेनफॉल हुआ है क्योंकि रेन गेज में भीलवाड़ा की रेनिंग रीडिंग कितनी आई थी, 3 mm. क्लियर? नाउ स्टूडेंट्स, अगर इतनी ज़्यादा रेनफॉल हो रहा है तो उससे क्या हो सकता है. मोर रेनफॉल क्रिएट्स द चांस ऑफ फ्लोडिंग. सो अगर ज़्यादा रेनफॉल होगा तो उससे क्या चांसेस हो सकते हैं, बाढ़ के चांसेस हो सकते हैं. नाउ इट्स टाइम फॉर हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन. क्वेश्चन इज, डेली रेन गेज रीडिंग इन द सिटी ऑफ मथुरा हैव बीन बिटवीन 2 mm टू 3 mm. वो 2 mm से 3 mm तक गई है जो डेली की रेन गेज की रीडिंग होती थी एवरी डे फॉर द लास्ट वीक के लिए. इन दिस सीजन यूजली द रेन गेज रीडिंग इन मथुरा आर बिलो 1 mm. लेकिन इस सीजन में ज़्यादातर जो रेन गेज की रीडिंग होती थी वो 1 mm से नीचे ही रहती थी, लेकिन इस लास्ट वीक में क्या हो गई, वो रीडिंग बढ़ के 2 mm टू 3 mm हो चुकी है. Why should the city be concerned? So इसके लिए सिटी को परेशान होने की क्यों ज़रूरत है. Students, the amount of rain falling is more than twice the normal level.
सो पहले वो 1 मिलीमीटर से भी कम होती थी, लेकिन अब वो 2 मिलीमीटर से भी अब वो जा रही है, 2 to 3 mm तक जा रही है। तो इससे क्या हो जाएगा, वो जो वाटर का लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इट इज़ लाइकली दैट द सिटी विल बी फ्लोडेड, और इससे क्या हो सकता है कि उस सिटी में बाढ़ आ सकती है। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। नाउ प्लीज ओपन योर कंटेंट बुक ऑफ साइंस, लेसन नंबर 4, यूज ऑफ अ रेन गेज। A rain gauge measures the amount of rain that has fallen. It looks like a glass bottle with a small funnel at the top to collect rainwater. Clear? It has a scale which is used to measure the amount of rainfall collected in the bottle. और इसके ऊपर ये आप देख सकते हो एक scale भी लगा हुआ है जिसके ऊपर हम rainfall की जो भी रेनफॉल का लेवल होगा उसको हम मेजर कर सकते हैं, जो भी रीडिंग आएगी। द रेन गेज इज प्लेस्ड इन द ओपन व्हेन इट रेन्स एंड द रेन वाटर कलेक्ट्स इन द बॉटल। सो हमें रेन गेज को ऐसे ओपन प्लेस में रखना चाहिए जहाँ पे जो रेन का वाटर है वो रेन गेज के अंदर आसानी से आ सके। वी नीड टू इंश्योर दैट देयर आर नो ट्रीज और एनी काइंड ऑफ कवरिंग अबव द रेन गेज। सो हमें इस बात का प्रॉपर ध्यान रखना है कि जब हम रेन गेज को उस प्लेस पर रख रहे हैं तो उसके ऊपर कोई कवरिंग थिंग नहीं होनी चाहिए, या फिर हमें किसी ट्री के नीचे रेन गेज को नहीं रखना है। क्लियर? द रिकॉर्ड ऑफ रेनफॉल ईयर एंड आफ्टर ईयर कैन बी वेरी हेल्पफुल टू स्टडी वेदर पैटर्न्स एंड चेंज इन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। साइंटिस्ट कैन कंपेयर द प्रेजेंट रेनफॉल मेजरमेंट्स विद पास्ट रिकॉर्डिंग्स। साइंटिस्ट जो है जो प्रेजेंट रेनफॉल का जो भी रिकॉर्ड आता है उसको पास्ट रेनफॉल के रिकॉर्ड से कंपेयर करते हैं। दिस हेल्प फार्मर्स टू प्लान विच क्रॉप्स टू प्लांट। और इसको क्यों करते हैं साइंटिस्ट, क्योंकि इससे फार्मर्स को हेल्प मिल जाती है कि इस टाइम पे अब हमें नेक्स्ट टाइम पे कौन सी क्रॉप ग्रो करनी है। मेजरिंग रेनफॉल इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट व्हेन डिजाइनिंग ब्रिजेस। सो जो भी हम वाटर बॉडीज़ के ऊपर ब्रिजेस बनाते हैं उनके लिए भी हमें रेनफॉल को मेजरमेंट करना बहुत ज़रूरी है। इंजीनियर्स नीड टू नो हाउ मच वाटर यूजुअली फ्लोज इनटू अ रिवर सो दैट दे नो हाउ स्ट्रॉन्ग अ ब्रिज नीड्स टू बी। सो उसी के बेस पे वो ब्रिज को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। रेन गोज यूज बाय साइंटिस्ट इस रेन गोज का यूज करते हैं। आई होप लेसन इज क्लियर टू यू ऑल। नाउ स्टूडेंट्स यू हैव टू कम्प्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज रेन मेजर यूजिंग अ रेन गोज। सो रेन कैसे मेजर की जाती है रेन गोज को यूज करके, यू हैव टू राइट। नेक्स्ट वन इज प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 8, विल इवेपोरेशन बी फास्टर और स्लोअर ऑन अ क्लाउडी डे, व्हाई। आपको बताना है कि अगर कोई क्लाउडी डे है किसी दिन हमारे आसपास की हमारे रीजन में अगर क्लाउडी डे है तो उस दिन जो इवेपोरेशन है वो फास्टर होगा या स्लोअर होगा एंड व्हाई। सो यू हैव टू कंप्लीट प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।